नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको रोल का मसाला बनाना सिखा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा बनेगा। हमारे वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये देखिए वेजिटेबल का मसाला। वेजिटेबल की कटिंग कर ली है, पत्ता गोभी, प्याज, शिमला, गाजर, चार पांच हरी मिर्च और गार्लिक, सारे वेजिटेबल की कटिंग कर ली है। बड़ी बड़ी कटिंग करी है, लंबी 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 चॉप में कटिंग कर ली है हमने। आज हम आपको रोल का वेजिटेबल मसाला बनाना सिखा रहे हैं। वेज रोल, पनीर रोल, मसाला रोल, सारे रोल का एक ही मसाला कैसे बनता है। एक फ्राई पैन लिया है, उसको अच्छे से गर्म कर लिया और एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कर दिया उसमें। अच्छे से ऑयल को गर्म कर लेंगे। ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है। सबसे पहले गार्लिक ऐड कर लेंगे इसमें, गार्लिक को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो गार्लिक को अच्छे से फ्राई कर लिया, वेजिटेबल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सारा वेजिटेबल अच्छे से फ्राई हो रहा है। सारे वेजिटेबल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ऑयल में। बहुत ही बढ़िया, हम आज आपको सारा वेजिटेबल को ऐड कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे सारे वेजिटेबल को। पाँच सात मिनट अच्छे से पका लेंगे। पाँच से सात मिनट अच्छे से वेजिटेबल को फ्राई करेंगे। इसमें नमक ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया। ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। व्हाइट पेपर को ऐड कर देंगे। अजीनोमोटो ऐड कर दिया। ग्रीन चिल्ली ऐड कर दी। रेड चिल्ली, विनेगर, सोया सॉस, सबको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। वेजिटेबल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए वेजिटेबल अच्छे से फ्राई हो रहा है हमारा। थोड़ा गुलाब जल ऐड कर देंगे। ये देखिए गुलाब जल ऐड कर दिया। सबको अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। ये देखिए हमारा वेजिटेबल मसाला तैयार हो गया है। इस मसाले से आप कौन सा भी रोल बना सकते हो, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो दोस्तों आप भी ट्राई करना इसी रेसिपी से रोल बनाने के लिए।
और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, रोज़ रोज़ नई वीडियो देखिए। धन्यवाद।